दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होता है, सतना के लोग गणेश सिंह को मन के लड्डू खिलाते रहते हैं और खुद भी खाते रहते हैं, मेरे एक बहुत अच्छे शुभचिंतक छोटे भाई जैसे, और कुछ अन्य लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा, जो मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा था। उस मैसेज में था कि मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री में तीन नाम चल रहे हैं, लगभग फाइनल है। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरा जबलपुर सांसद राकेश सिंह और तीसरा सतना से गणेश सिंह। मैंने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी, लेकिन गणेश सिंह मंत्रिमंडल में अपना नाम शामिल नहीं करा पाए। अब क्या इनके मन के लड्डुओं को वापस लिया जाए, नहीं खाने दिया जाए? अगर गणेश सिंह मंत्री बनते तो सतना के विकास में चार चांद लग जाते। सतना या विंध्य प्रदेश विकास में काफी पीछे है। अब आप अंदाज लगाएं, मध्य प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल में राम खिलावन पटेल को मंत्री बनाया गया है। राम खिलावन पटेल के मंत्री बनने के बाद आप विकास की गिनती शुरू करिए, आप गिनना शुरू करिए, तो सातों विधानसभा में आप गिन नहीं पाएंगे, इतना विकास राम खिलावन पटेल ने कर दिखाया है। अगर आपसे गिनती नहीं बनती तो आप मत गिनिए, फिर से स्कूल जाइए, फिर पढ़िए, फिर स्कूल से लौट के पढ़ के आइए और फिर गिनती शुरू करिए। हो सकता है तब राम खिलावन पटेल के बेटे मंत्री रहे। आप गिनते रहिएगा, आपको चारों तरफ सिर्फ विकास ही विकास दिखेगा। मध्य प्रदेश से प्रहलाद पटेल पर्यटन मंत्री हैं। अगर हम पूरे सतना जिले की 20 पर्यटन स्थानों की बात नहीं करें, सिर्फ दो स्थानों की बात करें जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति रखते हैं, चित्रकूट, भगवान राम की तपोभूमि। कितना विकास किया केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने। दूसरी बात हम करें मां शारदा देवी, जो एक खंडपीठ मानी गई है, शक्तिपीठ मानी गई है। कितना विकास हुआ मैहर का। अब जब मैहर और चित्रकूट का पर्यटन के क्षेत्र में यह लोग इतना भयंकर भयानक विकास कर दिखाए हैं, तो फिर इससे ज्यादा विकास तो हम लोग लोकल स्थानीय सांसद और मंत्री बन जाते तो उनसे भी कर सकते थे। सिर्फ विकास आपके कानों के अंदर डाला जाता है, आप उन्हें अंदर रखते हैं तो आपको विकास दिखेगा। जैसे पिछले 7 सालों से फ्लाईओवर निर्माणाधीन है, जैसे खजुराहो से बेला तक आपके 4 लेन सड़क निर्माण पिछले 12-13 सालों से इसका निर्माण जारी है। बस आप देखते रहिए, ऐसा ही विकास आपको मिलता रहे। लेकिन फिर हम वापस लौट रहे हैं, गणेश सिंह के मंत्री न बनने पर वह लड्डू वापस लेना है तो आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए।